हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी हैव अ टास्क राइट नाउ टू मेक ब्रेकफास्ट हियर। सो आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है 5 eggs omelet एंड अ बाउल ऑफ ओट्स, ठीक है? एंड एंजॉय द सिनेमैटिक्स। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलेंगे हम खाना बनाने के बाद। सो आज का ब्रेकफास्ट रेडी है। इंग्रेडिएंट्स आई यूज्ड इन माय एग ऑमलेट वाज मैगी मसाला, बटर और 5 अंडे और 2 brown bread, बस यही था। बाकी ये वाला सीन थोड़ा एक बढ़िया आइडियल मील लगती है मेरे को कार्ब्स के सोर्स में, क्योंकि ये चोकोफिल्स है, इसमें शुगर और कार्ब्स ही हैं और ओट्स, ठीक है? अब ये चोकोफिल्स पैकेट वाले नहीं मिलते, मेरे घर के पास एक दुकान है, वहाँ ऐसे मट्ठी या कचौड़ी वचौड़ी बनती है, तो वहाँ चोकोफिल्स पड़े हुए थे। मैं एक बार ऐसे खाने के लिए लाया, दूसरी बार खाने के लिए लाया, तीसरी बार मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ से आया कि अगर मैं इन्हें ओट्स के साथ मिलाऊंगा तो और बढ़िया चीज़ बन जाएगी। सो हाँ, 100 ग्राम चोकोफिल्स और अराउंड 75 to 80 grams ऑफ ओट्स, और जितना दूध था उस हिसाब से बनाया जाए, नहीं तो क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक नई चीज़ जो मैंने ऐड करी है अपने रूटीन में वो है ये, हाँ, अंजीर। अंजीर इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, आई गॉट टू नो, तो मैं अंजीर ले आया। और इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो तुम गूगल कर सकते हो और मैं भूल चुका हूँ। तो हाँ, थोड़ी किशमिश जैसी है, तो मैं ऐसी मजाक मजाक में भी खा रहा हूँ। सुबह सुबह एक खा लेता हूँ खाली पेट, ताकि एटलीस्ट डाइजेस्ट तो सीधा हो। अगर मैं ये सब खाने के बाद खाऊंगा तो वो कहाँ जा रही है मुझे भी नहीं पता, तो खाली पेट मैं चीज़ें ले लेता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये है आज का ब्रेकफास्ट, और इसकी कैलोरीज अराउंड 1800 होती हैं जब भी मैं ट्रैक करता हूँ। एंड हाँ, मेरा मेन रीज़न ये था कि मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर एक्यूरेट होना चाहिए, कि मैं उन्हें खा रहा हूँ। अब दिन में इधर उधर भाग रहता हूँ, तुम्हें पता है कॉलेज लाइफ है, ये है वो है, तो उस चक्कर में दिन की मील्स रह जाती हैं। मेरा अब तक डिनर परफेक्ट था, चाहे कुछ हो रहा हो डिनर मैं खा रहा था हफ्ते में एटलीस्ट 4 या 5 बारी। बट मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ से आया, मैंने अपना ब्रेकफास्ट को भी एक्यूरेट करा। मैंने सोचा अगर मैं दिन की पहली मील ही स्किप करूँगा तो पूरा दिन कैसे बढ़िया जाएगा, ठीक है? तो दिन की पहली मील ही परफेक्ट कर दिया मैंने, यही मील रहेगी अच्छे टाइम तक। हाँ, जैसे अब मैं 3-4 दिन से लगातार खाऊंगा तो मैं एक दिन बोर भी हो जाऊंगा, तो उस दिन मैं स्किप कर देता हूँ, बट नेक्स्ट डे से वापस शुरू हो जाती है। ये चोकोफिल्स वनीला फ्लेवर के हैं, और अगर चॉकलेट मिल जाता तो और मज़ा आ जाता, वो तो फिर और टेस्टी लगते ओट्स के साथ। थोड़ा सा ब्लैंड लगता है, मतलब ओट्स का वही नॉर्मल टेस्ट जो होता है वही आता है चोकोफिल्स के साथ। बाकी ये ऑमलेट तो मैं पता नहीं कितने सालों से खा रहा हूँ, इट्स बीन लाइक 2 or 3 years, ये ऑमलेट की रेसिपी कभी नहीं बदली। तुम लोग ये खा के ट्राई करना, इन माई ओपिनियन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल एंड नॉर्मल ब्रेकफास्ट मील जो तुम्हें लेने चाहिए अपने कैलोरी के हिसाब से। और हाँ, अंजीर भी खाओ। आई एम ट्राइंग टू ऐड नेचुरल थिंग्स जो मेरे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करे, तो हाँ, दिस इज़ वन ऑफ दैट, अंजीर, शिलाजीत, अश्वगंधा, गुड स्लीप, गुड फूड, ठीक है, अच्छा माइंडसेट, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इनका टेस्टोस्टेरोन लीक होएगा तुम्हारा। तो हाँ, आज है एक कौन सा डिनर, आज डेडलिफ्ट करनी है, हाँ, week 9 ऑफ द प्रोग्राम। एक 6 हफ्ते प्रोग्राम मेरा रह रहा था, कुछ 14 हफ्तों का था, उसके मैंने 8 या 9 हफ्ते कर लिया था। मैंने सोचा इसे क्यों छोड़ूँ, ये उस वेट पे आ रहा है जिस वेट पे मैंने कम ट्रेनिंग करी है, तो मैंने उसे ऐड करना चाहा, और आज है week 9। तो हाँ, हमें 2 से 3 रेप लेने हैं 172.5 के, तो वो लेंगे, बट वी आर गेटिंग कार्ब्ड अप, इसे खाऊंगा और एटलीस्ट 1.5 या 2 घंटे बाद ही जिम जाऊंगा, क्योंकि एक हैवी मील है, उसे पचने में भी टाइम चाहिए। तो सीधा मिलते हैं पार्किंग में हर बार की तरह, आई गाइस वेलकम बैक टू ब्ला ब्ला ब्ला, वहीं करते हैं, ठीक है?
मैंने एक ही सेट लिया 172 का 3 रेप। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे स्टार्टिंग के लाइट वेट पे हफ्ते हैं, एक तरीके से 170 लाइट ही है, उसे मैं एक हद तक रॉ के तरीके से लूँ। मतलब मैं ना कोई हैवी कैफीन डोज पे हूँ। आज मैंने सुबह से कैफीन लिया भी नहीं है, जो ब्रेकफास्ट था वो खा के सीधा जिम आया हूँ। तो हाँ, 3 रेप एक तरीके से कह सकते हैं मुश्किल आए हैं, बट मुझे पता है कि जिस स्टेट पे मैं तैयार रहता हूँ मोटिवेटेड और एक अच्छी कैफीन डोज पे, उस टाइम पे 3 रेप 6 भी हो सकते हैं बहुत प्यार से। 180 पे 4 रेप लेना जब आसान था तो ये कुछ भी नहीं है, बट 160 तक मैंने सारा वार्म अप जो भी लिया है, 70, 120 और 160, ये 3 वार्म अप थे मेरे, वो सारे वेडनेस थे। और मैं प्रेप कर रहा हूँ जैसे नेक्स्ट अगला जो वेडनेस को मेरा सेट है डेडलिफ्ट का, वो 178 पे, तो उससे पहले भी सारे पेट टेस्ट लूंगा। क्या पता उस दिन कैफीन भी लेके आऊँ ताकि वो सेट में बहुत आराम से लूँ। बाकी अब हम करने वाले बाइसेप्स, 2 एक्सरसाइज करूंगा और घर निकलना है, आज ज्यादा नहीं कर रहा मैं। और बैक हम करेंगे सैटरडे को, आज से बाइसेप ट्रेन करते हैं। मेरे हिसाब से आजकल काफी, मैंने 2 सेट इसके ले लिए बाइसेप्स के, और हाँ इतना काफी है, ज्यादा ओवर ट्रेन नहीं कर रहा बाइसेप्स की, छोटी मसाल है। एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन पर रखा था मैंने, बट मेरा मन नहीं ओवर ट्रेन करने का। हाय, आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप तुम्हें वो ब्रेकफास्ट ट्राई करो तुम्हें कैसा लगता है। अगर तुम्हें चोको फिल्स मिल रहा है तो और बढ़िया, पर तुम खाना जरूर। अपनी पहली मील और आखिरी मील को परमानेंट बनाओ, चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, कुछ हो जाए पहली और आखिरी मील खानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुमसे मिलता हूँ कल की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।